खाटपुर के छोटे से जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। बबलू एक छोटी सी नौकरी करता था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन शिवजी का अभिषेक करता था और उनके पसंद का फूल अर्पित करता था। लेकिन पीलू बहुत ही आलसी और बाहर के खाने की शौकीन थी। वो उसकी एक बात भी नहीं मानती थी। एक दिन पीलू उसे कहती है, सुनिए जी, मुझे 1000 रुपये दीजिए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो बंटी कहता है, अरे लेकिन कल ही तो 1000 रुपये दी थी, आज फिर से क्या काम है तुम्हें? मैं और मेरी सहेलियाँ घूमने जाएंगी के नई खाने की दुकान खुली है, वहाँ पर खाने में तो थोड़ा खर्चा हो ही जाता है। जी कल जो पैसे लिए थे ना, उसे तो घर का कुछ सामान लाई हूँ। हे शिव शंभो, इसको कब अकल आएगी? मेरी आधी सैलरी इसकी खाने के शौक पूरा करने में भी खत्म हो जाएगा। इसका शौक बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे, इतना बाहर का खाना खाने कौन जाता है। दे दीजिए, आगे से कम कर दूंगी। पीलू की जिद के आगे बंटी को झुकना पड़ता है। बंटी निराश होता था तो वो शिवजी का अभिषेक करने के लिए चला जाता था। हे शिव शंभु, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए, वो बहुत पैसे लुटाती है। फिर एक दिन, सुनिए जी, कल एक और नई दुकान खुलने वाली है, सुना है वहाँ बहुत टेस्टी छोला भटूरा मिलेगा। अभी दुकान नहीं खुली है और तुम्हें पहले से उसका टेस्ट पता चल गया? हाँ, तो मैं टेस्ट करके आ जाऊंगी ना। लाइए 1000 रुपए और मैं घर के लिए भी ले लूंगी। आजकल खाने में बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि घर का खाना भी बाहर से ही मंगा लिया करूंगी। अरे तू तो मेरी पूरी सैलरी इस छोले भटूरे खाने में ही खर्च कर देगी। अगले दिन ही बंटी की नौकरी चली जाती है। वो मंदिर जाता है, शिवजी का आराधना करता है और दुखी मन से घर आता है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ जी, मेरे खाने का शौक अब कैसे पूरे होंगे। ये सुनकर बंटी बहुत जोर से गुस्से में आ जाता है और वो शिवजी के मंदिर चला जाता है। हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी को अकल दीजिए, पता नहीं क्या सोचती रहती है, घर गृहस्थी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है, क्या पैसा ही सब कुछ है। हे भोलेनाथ, आप कृपा कीजिए, उसको अपना भक्त बना लीजिए। बंटी दुखी मन से रोने लगता है। उसको दुखी देखकर शिव शंभू जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा मैं तेरी हर तकलीफ को जानता हूँ, तू मेरी प्यारा भक्त है, तुझ में बहुत सहन शक्ति है, उसका परिचय तूने दिया है, अब मैं जो तुझे कहता हूँ तुम वैसा ही करना, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। फिर बंटी को शिव जी कुछ बात कहते हैं और वो खुशी खुशी घर आ जाता है। पीलू, मैं छोले भटूरे की दुकान खोलने वाला हूँ। वाह जी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है, अब तो मेरी बाहर खाने की समस्या ही हल हो गई। तुम्हारी समस्या कैसे हल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें मेरी दुकान में खाने के लिए वहाँ काम करना पड़ेगा, उसके बदले तुम्हें दुकान का छोले भटूरे मिलेंगे। ठीक है जी, मैं आपके यहाँ काम कर लूँगी। फिर इस तरह से बंटी शिवजी का नाम लेते हुए अपनी दुकान शुरू कर देता है। उसकी दुकान में पीलू को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, सब तरह के ग्राहकों को उसे परोसना पड़ता था, दुकान साफ रखना पड़ता था और खाना बनाने में बंटी की मदद करनी पड़ती थी। काम कर करके उसके खाने का लालच खत्म हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मुझे माफ कर दीजिए बंटी जी, मैं अब समझ चुकी हूँ कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और घर गृहस्थी कितनी जिम्मेदारी का काम है। मैं बस अपने शौक को देखती थी लेकिन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझी। चलिए मुझे भी शिव जी का अभिषेक कराने के लिए ले चलिए। फिर बंटी शिव जी के पास पीलू को लेकर जाता है। दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं। हे प्रभु, आपकी दया से देखिए, पीलू भी आपके अभिषेक करने आई है, हम आपकी भक्ति करते रहे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी कहते हैं, तुम बहुत साफ दिल के हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हे शिव शंभू, मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं कि उनकी भक्ति के कारण मुझे आपके दर्शन हुए, मैं अब सुधर गई हूँ,
मुझे मेरे बुरे काम के लिए माफ कीजिए, अब से मैं आपकी भक्ति करूंगी। जय शिव शंभु। और फिर दोनों पति पत्नी अपना छोले भटूरे का ठेला चलाने लगते हैं और पीलू बहुत प्यार से बंटी का साथ देने लगती है। जंगल वाले भी पीलू के अंदर आए हुए सुधार से उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक बार गर्मी के मौसम में पीलू को दो अंडे होते हैं। दोनों पति पत्नी उन अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। एक बार पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए बहुत गर्मी बढ़ रही है, हम लोग ने तो कैसे भी घास फूस के इस घोंसले में अपना जीवन काट लिया, हम तो गर्मी सह लेते हैं लेकिन इन अंडों का क्या होगा, इतनी गर्मी में हमें अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, हमारे बच्चों को गर्मी नहीं सताए, इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। बबलू कहता है, तुम ठीक कह रही हो पीलू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इतनी गर्मी से बचने के लिए मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर करूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ख्याल आए तो मुझे जरूर बताना। इस तरह दोनों गर्मी में अपने बच्चों को लेकर परेशान थे, वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को कोई भी परेशानी हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन अंडों से दो बच्चे बाहर आते हैं। पीलू और बबलू अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। अरे पीलू, ये तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, ये देखो ये तो बिल्कुल तुम पर गया है। एक बार बबलू भोजन की तलाश में जा रहा था तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। बबलू वहाँ जाकर थोड़ी देर बैठ जाता है। अरे वाह, यहाँ कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, गर्मी का तो यहाँ पर नामो निशान नहीं है, मैं अभी जाकर पीलू को बताता हूँ। ऐसा सोचकर बबलू अपने घर की ओर चला जाता है। बबलू खुशी खुशी ये बात पीलू को बताता है। पीलू ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। पीलू कहती है, ठीक है जी, मैं कल ही आपके साथ उस जगह को देखने चलूंगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी उस तालाब की ओर चले जाते हैं। तालाब के पास पहुंचकर पीलू कहती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा था जी, यहाँ पर तो बहुत ही ठंडक है। पीलू आसपास देखती है तो उसे एक मिट्टी का ढेर दिखाई देता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। अरे पीलू, मिट्टी देखकर क्यों खुश हो रही हो? अजी, आपको पता है क्या, मिट्टी का घर बहुत ठंडा रहता है, मैं इस मिट्टी से एक मटकी बनाऊंगी जिसके अंदर हम अपना घर बनाएंगे। उसकी बात सुनकर बबलू कहता है, वाह पीलू, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है। फिर दोनों मिलकर मटके का घर बनाते हैं और अपने बच्चों के साथ मिलकर तालाब के किनारे रहने लगते हैं। एक तरफ पीलू अपने परिवार के साथ ठंडे मकान में रह रही थी। पूरे जंगल में सभी पक्षी गर्मी से परेशान थे। एक दिन कालू कौआ तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। अरे ये क्या, ये पीलू तो मटके के घर में रह रही है। वो पीलू के घर के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, पीलू, ओ पीलू बहन, जरा बाहर तो आना। अरे पीलू बहन, तुम तो बहुत चालाक निकली, यहाँ तालाब के किनारे मटके के घर में रह रही हो और मैं वहाँ बाहर गर्मी में रह रहा हूँ। पीलू बहन, मैं गर्मी से जल रहा हूँ, तुम मेरे लिए भी ऐसा ही मटका घर बना कर दो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा मटका घर तोड़ दूंगा। पीलू ये सुनकर डर जाती है। कालू भैया, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अगर आपको मटका का घर चाहिए तो आप खुद ही क्यों नहीं बना लेते हो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए मटके का घर बना कर दूं। सुनो पिद्दी चिड़िया, तुम्हें पता है मैं कितना खतरनाक हूं, अगर मुझे तुमने मटके का घर नहीं बना के दिया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, जो भी मेरा काम करने से मना करता है उसको मैं मिटा देता हूँ, दो दिनों बाद मैं फिर से आऊँगा, मुझे मेरा घर तैयार चाहिए। इस तरह से पीलू को धमकाकर कालू वहाँ से चला जाता है। पीलू सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ, ये कालू ने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया है। पीलू मिट्टी इकट्ठा करके कालू के लिए मटकी का घर बनाती है। दो दिनों बाद कालू फिर से उसके पास जाता है। क्यों रे पीलू, क्या तूने मेरे लिए मटके का घर बनाया कि नहीं? पीलू कहती है, हाँ कालू भैया, वो देखो वो रहा तुम्हारा मटके का घर। फिर कालू अपने मटके के घर में जाकर बहुत खुश हो जाता है। कालू सोचता है, अरे वाह, इस मटके घर में कितनी ठंडक है, अगर मैंने इस चिड़िया को डराया नहीं होता तो ये मेरे लिए मटके का घर नहीं बनाती। लेकिन जब सभी पक्षियों को पता चलता है
कि कालू ने पीलू को डराकर अपना घर बनवाया तो वे नाराज हो जाते हैं और कालू को धमकाते हैं। फिर कालू को अपना मटकी का घर बनाने के लिए पीलू को पैसे देने पड़ते हैं। कुछ समय बाद सभी पक्षी पीलू से पैसे देकर मटकी का अपना अपना घर बना लेते हैं। इस तरह से पीलू सबके लिए मटके का घर बनाकर बहुत खुश होती है, इससे उसकी आमदनी भी हो जाती है। फिर वे सब गर्मी के मौसम में खुशी खुशी रहते हैं।